हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, बॉर्ना मैम आ गई है बॉर्ना बिर्नी एक्ट का आज का क्लास लेके, जहाँ पे आज मैम एबेकस सिखाएगी। इतने दिन आप लोग क्या सीखे एबेकस में? एबेकस का बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर स्मॉल फ्रेंड का कंसेप्ट, फिर बिग फ्रेंड का कंसेप्ट, और अभी हम लोग स्टार्ट किए थे बिग फैमिली का कंसेप्ट, जहाँ पे एडिशन हम लोग कर चुके थे। तो आज सीखेंगे हम लोग बिग फैमिली कंसेप्ट का सब्ट्रैक्शन। तो ये सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, मेरे इस क्लास को अंत तक देखिए एंड बॉर्ना बिर्नी एक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज सीखेंगे हम लोग ऐसा सम जहां पे माइनस सिक्स करना हम लोग सीखेंगे बिग फैमिली के कंसेप्ट में, एंड माइनस 60 करना भी सीखेंगे बिग फैमिली के कंसेप्ट में। तो देख लेते हैं ये सारा सम हम लोग एबेकस में कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर है 8, जो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर होगा एड 4। एड 4 के लिए एड 5 करके नहीं हो पाएगा, तो एड 10 करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम बिग बॉस। तो बिग बॉस से हेल्प ले रहे हैं, तो बिग फ्रेंड चला जाएगा। 4 का बिग फ्रेंड है 6, वो चला जाएगा। ठीक है, अब करना है लेस 6। तो 6 का बॉस है 10, वो चला जाएगा, एंड 6 का फ्रेंड है 4, वो आ जाएगा। अभी ये 4 डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, इसीलिए स्मॉल बॉस से हेल्प लेना है। तो 5 विल कम टू हेल्प 4, एंड 4's फ्रेंड 1 विल गो, एंड द आंसर इज 6। तो देखे ना, एक ही नंबर को ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को बिग बॉस एंड स्मॉल बॉस दोनों बॉस से हेल्प लेना पड़ रहा है। दोनों बॉस से हेल्प ले रहे हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं बिग फैमिली का कंसेप्ट। द आंसर इज 6। एबेकस का वैल्यू 0 करेंगे एंड आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट सम है 7, एट 7 लेस 6। सो 7 डायरेक्ट हो जाएगा। एट 7 करने के लिए यहाँ पे फिर से बिग फैमिली का जो एडिशन का कंसेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा। कैसे? एट 10 किए हम लोग एट 7 के लिए। अभी 7 का फ्रेंड 3, वो लेस होना पड़ेगा, बट लेस 3 डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 को लेस करेंगे और 3 का जो स्मॉल फ्रेंड था 2, वो आ जाएगा। कितना हुआ आंसर? 1 4 14। तो 7 + 7 = 14 होता है, ये हम लोगों को पता है। अब करना है लेस 6। लेस 6 के लिए लेस 10, मतलब लेस बॉस कर दिए, अब फ्रेंड को आना पड़ेगा। तो 6 का फ्रेंड कौन है? 4, वो आएगा। 4 कैसे आएगा? यहाँ पे तो जगह नहीं है 4 आने का डायरेक्टली, तो 5 आएगा 4 को हेल्प करने के लिए। दैट मींस स्मॉल बॉस को लाना पड़ेगा एंड स्मॉल फ्रेंड चला जाएगा। 4 का स्मॉल फ्रेंड है 1, वो चला गया, एंड द आंसर इज 8। एबेकस का वैल्यू 0 करेंगे एंड आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट सम है 40 80 लेस 60। सो 40 इजिली हो जाएगा, 80 भी इजिली हो जाएगा, नॉर्मल बिग फ्रेंड का कंसेप्ट। 80 के लिए 100 विल कम टू हेल्प 80, एंड 80's फ्रेंड 20 विल गो। देन लेस 60, लेस 60 के लिए लेस द बॉस एड द फ्रेंड। लेस द बॉस तो हो गया, 60 का बॉस है 100, अब करना है एड फ्रेंड विच इज 40। 40 को एड डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को स्मॉल फ्रेंड का जो कंसेप्ट है, मतलब स्मॉल बॉस से हेल्प लेना पड़ेगा। तो एड 40 के लिए 50 विल कम टू हेल्प 40, एंड 40's फ्रेंड 10 विल गो। ठीक है, अब एड 20 डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर विल बी 80 80 80। एबेकस का वैल्यू 0 करेंगे एंड आंसर लिख देंगे। तो ये जो मैं बार बार स्मॉल फ्रेंड एंड बिग फ्रेंड का कंसेप्ट बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा है जो आज का क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरे हर एक क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके पहले वो क्लास करके आइए। नहीं तो स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड ये अगर आप लोग नहीं सीख के आएंगे तो बिग फैमिली का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से सीखने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, हर एक वीडियो को अंत तक देखते रहिए एंड सीखते रहिए। लास्ट में है 80 @ 60 @ 70 less 60। सो 80 डायरेक्ट हो जाएगा, देन @ 60 के लिए बिग फैमिली का जो एडिशन का कंसेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा। कैसे? एड 60 के लिए एड 100 तो कर दिए, अब 60 का फ्रेंड 40, वो चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा? 40 के लिए 50 को जाना पड़ेगा, एंड 40 का फ्रेंड 10, वो आ जाएगा। कितना हुआ आंसर? 140। तो 80 @ 60 = 140 होता है। देखिए एबेकस में भी आंसर है 140। अब करना है एड 70। कोई भी नंबर ऐड नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है? ऐड द बॉस लेस द फ्रेंड। तो 70 का बॉस है 100, वो आ जाएगा, एंड 70 का फ्रेंड है 30, वो चला जाएगा। दिस इज द नॉर्मल
बिग फ्रेंड का एडिशन का कंसेप्ट एंड देन लेस 60, लेस 60 डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए लेस द बॉस होगा विच इज 100 एंड एड 40, एड 40 करने का जगह नहीं है तो एड 50 करना है, मतलब स्मॉल बॉस से हेल्प लेना है। जब 50 आएगा 40 के लिए तो 40 का फ्रेंड है 10, वो चला जाएगा एंड दिस इज योर आंसर 150, दैट मींस 100 रॉड में है 1, 10 रॉड में है 5 एंड 1s में है 0, दैट मींस 150। एबेकस का वैल्यू 0 करेंगे एंड आंसर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे बिग फैमिली का कंसेप्ट में लेस 6 एंड लेस 60 कैसे होता है, साथ में बहुत सारे जगह पे नॉर्मल आपका बिग फ्रेंड का कंसेप्ट भी आया था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसे ही और भी कुछ सीखने के लिए, नया नया ट्रिक जानने के लिए, एबेकस के बारे में और भी सीखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।